नौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें मुख्य तौर पे एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया है जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई शहरों में बड़े पैमाने पर इन्होंने चैन लूटने और चैन चोरी की वारदातें की। मुख्य तौर पर इस गैंग को पहले एक बार पकड़ा जा चुका है लेकिन ये बार बार बचती रही हैं। अगर हम देखें तो पिछले दिनों के अगर आंकड़ों की हम बात करें, पिछले अगर एक साल के आंकड़ों की, तो इन्होंने लगभग 70-75 से ज़्यादा वारदातें की हैं। इनमें से लगभग यहाँ की जो वारदातें हैं पुलिस ने पकड़ी हैं, लगभग 25 चैनों को लगभग जब्त किया गया है जो कि 15 लाख रुपए की कीमत की हैं। इनमें खास बातें हैं कि अलग अलग जगहों पे अपने वेशभूषा और पूरे अपने आवरण को बदल लेती थी। ये इनके पास पूरी एक लिस्ट थी कि किस शहर में किस समय कौन सबसे बड़ा जुलूस है, मेला है या किसी तरह का बड़ा आयोजन है, उसके हिसाब से अलग अलग शहरों में रहती थी। ये रबर राजस्थान के कई शहरों में रह चुकी हैं, महाराष्ट्र के कई शहरों में रह चुकी हैं, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, इन शहरों में इन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर लगातार वारदातें की हैं। इनके न पकड़े जाने की एक खास वजह थी कि जिस तरह के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, उसी तरह के वेशभूषा में ये महिलाएँ रहती थीं और उस तरह के वेशभूषा में रहकर उसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन जाती थी। इनके पास से उस तरह के तेजी से काटने वाले औजार भी मिले हैं जिसे चैन, जो महिलाएं जो चैन पहनती थी उसको बड़ी सफाई से उस चैन को एक काट देती थी और काटने के बाद फिर उसको मार्केट में ले जा करके बेचती थी। महिलाओं को समान तौर पर घटना होते समय पता नहीं चलता था क्योंकि वो काफ़ी भीड़ भाड़ में काटती थी। घर जाने के बाद जब पता चलता था तो इसमें रिपोर्ट की जाती थी। इसमें लगभग कुल 15 लाख रुपये की 25 चैनें मिली हैं और साथ में आसपास के पड़ोसी जिलों को भी सूचना दी गई है, वो भी आकर के इसमें करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में मुख्तार क्राइम ब्रांच के द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है जिसमें एसपी क्राइम ब्रांच